आईई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आई को लेकर हमारी सही है इसे एस्टैब्लिश किया गया था विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जी सेवन हो सकता है एंड इंडिया जो है वो इसका एक एसोसिएट मेंबर है सोचिए so, इसका क्या आंसर होगा फिर करते हैं डिस्कशन क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने अभी इनवाइट किया इंडिया को को थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर कि आप यहां पर आके फुल टाइम मेंबर बने आई जो है इसे फाउंड किया गया था नाइनटीन के अंदर बाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओ ना की जी ध्यान रखिएगा ओ के फ्रेमवर्क में इसे बनाया गया था और इसे बनाया गया था रिस्पॉन्स टू द ऑयल एम्बार्गो विच आर इंपोस्ड बाई मेजर प्रोड्यूसर्स ऑयल प्रोड्यूस करने वाली काफी सारी कंट्रीज है वो क्या करती है वो ऑयल एम्बार्गो लगा देती है वो ये डिसाइड करती है कितना ऑयल का प्रोडक्शन होना चाहिए ऑयल की सप्लाई जो है वो कितनी होनी चाहिए ये एक चीज़ें करी क्यों जाती है ताकि जो ऑयल का प्राइस है वो अपने तरीके से रेगुलेट कर पाए लेकिन उससे होता क्या है दूसरी कंट्रीज़ को भी नुकसान होता है तो यहाँ पे आई को इसी वजह से बनाया गया था इट इज़ मेड अप ऑफ़ थर्टी मेंबर कंट्रीज़ और ये पूरी कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ काम करती है ताकि एनर्जी पॉलिसीजें वो दुनिया के अंदर सही तरीके से क्रिएट करी जा सके और एक सस्टेनेबल फ्यूचर जो है उसको यहां पर लाया जा सके सेकंड स्टेटमेंट की बात करें इन in 2017 इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर एंड इन 2021 ट्वेंटी मेंबर्स एंड इंडिया अग्री टू एंटर्ड इन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो एसोसिएट मेंबर तो हम दो में ही बन गए थे और अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर हम कोलेबोरेट कर रहे हैं और हो सकता है फुल टाइम मेंबर भी आगे जाके बन जाए क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है सो करेक्ट आंसर विल बी be